नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कदम की सराहना की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 19.36% हुई। उत्तर प्रदेश के 10 जिले और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक एक जिला कोरोना मुक्त। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर अगले साल जुलाई तक रोक। भारतीय समुद्री सीमा में 40 दिन से 3 जहाजों में फंसे गोवा के 180 से अधिक यात्रियों को मुंबई में उतरने की अनुमति मिली। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा, कोविड 19 विश्व महामारी तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुकेश कुमार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के चोटिल होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा। एक रिपोर्ट। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया एक बार फिर से उजागर हुई है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के मात्र एक दिन के अंदर सरकार ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया है। लोगों ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा कर्मियों का पूरा सहयोग किया है, लेकिन उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधानों की आवश्यकता के मद्देनजर इस अध्यादेश को लाया गया। अधिकतम डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन प्रावधानों के तहत राज्यों को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल करने का अधिकार दिया है। अध्यादेश में 7 साल तक के कारावास और हिंसा और क्षति के मामलों में 2,00,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने 15,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ये अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड 19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद और 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अध्यादेश पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के शीघ्र और समय पर किए गए प्रयासों की सराहना की। The government issued an ordinance and it was ratified by the president that day itself. I would wholeheartedly welcome it. I would like to see a day when this ordinance of this act is not implemented so as my people of the country understand the importance of healthcare and do not indulge in any violence both in life and death on any healthcare professional. That would be the biggest victory for me. डॉक्टर राजन शर्मा ने अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। आईएमए की महाराष्ट्र शाखा ने भी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवी ने कहा कि डॉक्टरों को इस अध्यादेश का लंबे समय से इंतजार था।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 723 अस्पताल और लगभग 2,00,000 आइसोलेशन बेड तैयार हो गए हैं। नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2,00,000 बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स हैं और 12,190 वेंटिलेटर्स। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। जहां पीपीई की बात है, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, इसकी अभी उपलब्धता 25,00,000 है और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50,00,000 रुपए का बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। कोविड 19 के संक्रमण के मामलों में लाभार्थी का इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड 19 आपात स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली तारीख से मंजूरी दे दी। इस राशि का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान तत्काल कोविड 19 आपात कार्रवाई के लिए किया गया है। शेष राशि 1 से 4 वर्ष तक मध्यम अवधि के लिए खर्च की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की है और कहा है कि हिंसा की ऐसी घटनाएं स्वस्थ लोकतंत्र की मुक्त विचारधारा के विरूद्ध हैं। मुंबई में कल एक निजी समाचार चैनल के मुख्य संपादक पर कथित हमले की कोशिश के बारे में उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अपराधियों को समय पर सजा मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह विडंबना है कि जो सहिष्णुता की शिक्षा देते हैं वे ही असहिष्णु हो गए हैं। किसी भी पत्रकार पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है और लोग जो टॉलरेंस का उपदेश करते हैं वो इतनी इनटॉलरेंस कैसे बनते हैं, ये देखने लायक बात है। और इसलिए पत्रकारों पर हमले बिल्कुल नागवार है और इसके लिए अभी भी पुलिस कार्रवाई करती है और करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है कि यदि किसी फैक्ट्री में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले का पता चलता है तो फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कई ट्वीट में इसे अफवाह और पूरी तरह झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अनुमति वाले क्षेत्रों में उद्योगों को बिना किसी भय के उत्पादन कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे पर्याप्त एहतियाती उपाय करने होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं की मंजूरी देकर कोविड 19 जांच सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है। अभी तक 235 सरकारी प्रयोगशालाओं और 86 निजी प्रयोगशालाओं को कोविड 19 की जांच की मंजूरी दी गई है। आईसीएमआर ने अभी तक कोविड 19 का पता लगाने के लिए 34 रियल टाइम पीसीआर किट्स को सही पाया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि कोविड 19 रोकथाम जोन के आसपास के अस्पतालों में सभी मरीजों का कोविड 19 के संदिग्ध मरीज के रूप में उपचार होना चाहिए। ये उपचार जांच परिणाम आने तक निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। मंत्रालय ने गैर कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संदिग्ध कोविड 19 संक्रमण का पता चलने के बाद ये निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कम या बिना लक्षण वाले कोविड 19 के मामले बिना जांच की स्थिति में अनजाने में अन्य रोगियों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जब भी गैर कोरोना रोगी या स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना के लक्षण होने का संदेह हो या वे कोरोना वायरस की जांच में सकारात्मक पाए जाएं, तो अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति मामले की जांच कर कार्रवाई का सुझाव देगी। दिशा निर्देशों के अनुसार उन सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, उन्हें 7 सप्ताह की अवधि के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा देखभाल सुविधा केंद्र में संदिग्ध या पुष्ट मामले का पता चलने के बाद तेजी से अलगाव संपर्कों की सूची बनाना, उन्हें खोजने और कीटाणु शोधन की मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस दौरान पूरी सुविधा को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये 19.36% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 4,258 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,409 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41 लोगों के मरने से मृतकों की कुल संख्या 681 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 431 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,649 पहुंच गई है। 789 लोगों के ठीक होने की खबर है। 67 मरीजों को उपचार के बाद कल छुट्टी दे दी गई। इस बीच कोरोना वायरस महामारी के कारण एक जहाज में फंसे 146 भारतीय चालक दल के सदस्य आज मुंबई में उतरेंगे। सभी सदस्यों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में बताना होगा और जरूरत पड़ने पर कोविड 19 की जांच तथा स्वयं को क्वारंटीन भी करना होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आम लोग सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं। मुंबई के मछुआरों की वेसावे कोलीवाड़ा कॉलोनी में धुले के शीरपुर शहर समेत आमोदे शांगावे और मांडर गांव ने भी आज से 3 दिनों तक पूर्ण तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। पनवेल पुलिस ने तालाबंदी के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पालघर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। साथ ही जिले में कम से कम 7 कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए गए। इसी बीच बीड जिला प्रशासन ने किसानों के उत्पाद समूहों को घर घर जाकर फल और सब्जियां बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड 19 के कारण 90% मृत्यु बुजुर्गों की हुई है और वे अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉ जयंती रवि ने बताया कि राज्य में ज्यादातर मामले बुजुर्गों के हैं और वे मधुमेह या हाइपरटेंशन जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित रहे हैं। इनमें से जिन रोगियों की मृत्यु हुई है वे ज्यादातर कोविड 19 से संक्रमित थे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दैनिक परीक्षण में कटौती करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास प्रतिदिन कोविड 19 की 3,000 परीक्षण कराने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, जहां अब तक कोविड 19 संक्रमण का अब कोई मामला नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 112 संक्रमित मामलों की पुष्टि होने से ये संख्या 1,449 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस फिलहाल प्रदेश के 53 जिलों में सक्रिय है। अभी तक राज्य में इस वायरस से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें आगरा में, 5 मुरादाबाद में, 3 मेरठ में और एक मौत बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 10 से ज्यादा कोविड 19 के मामले वाले जिलों के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों से इन जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने को कहा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में लैब की संख्या बढ़ाने जा रही है। सरकार ने अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी टेस्टिंग लैब की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मेरठ और इटावा में पूल टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से वापस अपने गांव आ रहे विस्थापितों को प्रशासन द्वारा सीधे उनके घर जाने की अनुमति नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये लोग संगरोध केंद्रों में किए गए इंतजाम से खुश हैं। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत जैतपुरी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मनोरंजन के लिए टीवी लगाया गया है। एसडीएम गुरु प्रसाद ने आकाशवाणी को बताया कि यहां प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसमें जो भी बच्चे थे उनके लिए दूध का इंतजाम कराया गया। उसके बाद मनोरंजन हो इसके लिए सभी क्वारंटाइन सेंटर पे टीवी सेट लगाए गए और तीसरी बात जो क्वारंटाइन सेंटर थे उसमें लाइट व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। यहाँ ठहरे श्रमिकों के खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। टेलीविजन के कारण क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिक बाहर नहीं घूमते और रामायण, महाभारत एवं अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम देखकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं।
क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी श्रमिक इन व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए संदिग्ध संक्रमित मामलों का पता लगाने और जांच करने का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों से सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्वारंटीन केंद्रों की क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इस बीच पिछले 36 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 21 मामले आने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 147 हो गई है। राज्य में कोरोना के 98 सक्रिय मामले हैं, 42 मरीज ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राज्य में पहली बार 3 प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। झारखंड सरकार प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की योजना पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ काम कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक झारखंड में कोरोना के 49 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में 3 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में ICMR द्वारा किए गए इस नए प्रयोग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की काउंसलिंग कर उनसे लिए हुए प्लाज्मा को संरक्षित करने का विचार कर रहे हैं। COVID-19 से ठीक हुए एक मरीज के प्लाज्मा से 2 अन्य नए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस सिलसिले में प्लाज्मा थेरेपी कंसल्टेंट और विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में झारखंड में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य के ब्लड बैंक्स और निजी अस्पताल अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए स्वेच्छा से शुल्क रहित प्लाज्मा के संग्रह, संरक्षण और भंडारण के लिए आगे आए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। असम में एक सप्ताह के बाद COVID-19 से एक व्यक्ति को संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि संक्रमित व्यक्ति धुबरी जिले से है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या वहां बढ़कर 35 हो गई है। इनमें से कई लोग ठीक हो गए हैं। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान COVID-19 के 92 नए मामलों का पता चला है। इन्हें मिलाकर अभी तक 2,248 लोग दिल्ली में संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि 724 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 से 48 लोगों की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने COVID-19 की रोकथाम के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 89 कर दी है। दोनों नए कंटेनमेंट जोन लाडोसराय के एफ ब्लॉक में हैं। चिन्हित किए गए दोनों जोन को दिल्ली सरकार के ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा केंद्र शासित प्रदेश का पहला कोरोना वायरस मुक्त जिला बन गया है। जिले में COVID-19 के सभी 3 मरीज क्वारंटीन में गए थे और वे अब स्वस्थ हो गए हैं। चिकित्सा कर्मियों और पुलवामा जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से और निवासियों के एहतियात के उपायों से ऐसा संभव हुआ है। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में करगिल जिले को भी COVID-19 मुक्त घोषित किया गया है। जिले के कोरोना संक्रमित चौथे व्यक्ति को भी लगातार दूसरी बार कोरोना मुक्त पाए जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। करगिल की अपर जिलाधीश सोनम चोसार ने बताया कि अब करगिल जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। भारतीय समुद्री सीमा में 40 दिन से 3 जहाजों में फंसे गोवा के 180 यात्रियों को मुंबई में उतरने की अनुमति मिल गई है। 3 में से 2 जहाज कर्णिका और आंग्रिया मुंबई बंदरगाह पर खड़े हैं, जबकि तीसरा जहाज मरेला डिस्कवरी मुंबई तट क्षेत्र से दूर खड़ा है। इन दोनों जहाजों के यात्रियों का आज कोविड परीक्षण होगा और बाद में उन्हें 14 दिन के संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनकी दोबारा जांच होगी और अगर परिणाम निगेटिव रहा तो उन्हें सड़क मार्ग से गोवा जाने की अनुमति दी जाएगी। गोवा सीमा जांच चौकी पर पहुंचने के बाद उन्हें उनके घरों में लाया जाएगा, जहां वे अगले 14 दिन तक अनिवार्य क्वारंटीन में रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कदम की सराहना की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।
कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 19.36% हुई। उत्तर प्रदेश के 10 जिले और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक एक जिला कोरोना मुक्त। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर अगले साल जुलाई तक रोक। भारतीय समुद्री सीमा में 40 दिन से 3 जहाजों में फंसे गोवा के 180 से अधिक यात्रियों को मुंबई में उतरने की अनुमति मिली और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कोविड 19 विश्व महामारी तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की 26 तारीख को पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी। 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि डाली गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग 2,82,00,000 रूपये की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में 16,146 करोड़ रूपये की राशि 8 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है। 68,000 से अधिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के रूप में लगभग 162 करोड़ रूपये दिए गए हैं, जिससे 10,60,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। भवन निर्माण में लगे 2,17,00,000 कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में 3,497 करोड़ रूपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39,27,00,000 लोगों को निःशुल्क अनाज बांटा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2,66,00,000 सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड 19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड 19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि पहली जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पहली जुलाई 2020 और पहली जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरुआत भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि पार्टी ने बार बार प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कोविड 19 से निपटने के लिए जांच, ट्रेसिंग और क्वारंटीन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब भी जांच कम हो रही है और जांच किट की आपूर्ति भी कम है तथा खराब गुणवत्ता की है। उन्होंने कहा कि विस्थापित कामगारों को भोजन, सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलनीसामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्योगपतियों से बातचीत की। इसका उद्देश्य केंद्र द्वारा आवश्यक सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए कुछ उद्योग खोलना है। 1,629 मामले आने के बाद राज्य ने 3 मई तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया था। इस बीच कोविड 19 बीमारी की वैक्सीन विकसित करने के लिए देश के कुछ चिकित्सा संस्थानों में अनुसंधान तेजी से चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में हमारे संवाददाता ने कई राज्यों के लोगों से बातचीत की। मेरा नाम राजेंद्री है, ग्राम मेरा हैदनगर है, जिला मेरा हापुड़ है। उज्जवल योजना का मेरे पास सिलेंडर है और प्रधानमंत्री की तरफ से मेरे पे पैसे आ चुके हैं 750 रूपये। मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं और मैंने अपना सिलेंडर भरवा लिया है। मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा पिंकू पासवान नाम हुआ, समस्तीपुर दलसिंह सराय शाहपुर पगरा। मेरा घर हुआ, 35 किलो अनाज मिला, 500 रूपया मिला जनधन खाता वाला। उसके बाद कि नरेंद्र मोदी बहुत सेवा कर रहे हैं, गरीब के लिए बहुत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।
रेल मंत्रालय देश भर में 2.5 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। जिला प्रशासन ये पका भोजन रेलवे की रसोई से लेकर जरूरतमंद लोगों तक वितरित कर रहा है। एक रिपोर्ट। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे कई तरह के प्रयास कर रहा है। रेलवे ने रसोइयों की क्षमता को देखते हुए 2,60,000 भोजन के पैकेट राज्यों को देने की पेशकश की है। यह भोजन राज्यों को महज 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होगा। हालांकि रेलवे ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और रसोइयों का उपयोग किया जाएगा। वहीं रेलवे ने राज्यों को पैसे का भुगतान बाद में करने की सहूलियत दी है। IRCTC ने मांग के अनुसार पके हुए भोजन की संख्या बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। रेलवे द्वारा प्रतिदिन लगभग 1 लाख पका हुआ भोजन मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से अब तक रेलवे ने 20 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि देश में कोविड 19 मामलों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और सावधानी अपनाने के परिणाम मिलने लगे हैं। जो आशंका थी पहले, जो खतरे का, वो खतरा तो लगता नहीं है। ये काफी धीमी गति से अभी वायरस फैल रही है भारत देश में। इतना बड़ा देश है, इतने प्रांत है, उनमें फर्क भी है, फिर भी लगता है कि जितना हमें ये खतरा पहले आशंका थी उस गति से तो नहीं बढ़ रही है। ये लॉकडाउन का असर पड़ चुका है, ब्रेक्स लग चुके हैं और संभावना है कि जल्द से जल्दी ये वायरस की गति हम बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड 19 के रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि कोविड 19 विश्व महामारी एक मानवीय संकट है जो तेजी से मानवाधिकार संकट बनता जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि संक्रमण से निपटने के लिए प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव किया जा रहा है। श्री गुतरश ने कहा कि इस विश्व महामारी से कई समुदायों पर विपरीत असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे नफरत पैदा करने वाले भाषण और कमजोर लोगों पर हमले बढ़ने से असुरक्षा बढ़ी है। और अंत में हम आपको सुना रहे हैं एम्स के डॉक्टरों द्वारा रचित कुछ पंक्तियां। इन पंक्तियों की रचना उन्होंने कोविड 19 मरीजों के इलाज में दिन रात लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साहवर्धन और आशा का संचार करने के लिए की है। यू आर द ट्रू हीरोज, नॉट बिकॉज यू आर फियरलेस but because you overcome fear to save lives. You are not the foot soldiers. You are the knights in shining armor. Kyun tu hai ghabraaye, kaay chinta tujhe sataaye? Kyun tu hai ghabraaye, kaay chinta tujhe sataaye? Tu kamaal hai bemisaal, hame tum pe naaz hai bhai, kaahe ghabraaye? Sun sun sun, अरे भाई सुन, चले तू लेके जीत की धुन। सुन सुन सुन, अरे भाई सुन, चले तू लेके जीत की धुन। तुम लोगों की मेहनत से हमने कई रोग मिटाए, काहे घबराए, काहे घबराए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कदम की सराहना की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 19.36% हुई। उत्तर प्रदेश के 10 जिले और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का एक एक जिला कोरोना मुक्त। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर अगले साल जुलाई तक रोक। भारतीय समुद्री सीमा में 40 दिन से 3 जहाजों में फंसे गोवा के 180 से अधिक यात्रियों को मुंबई में उतरने की अनुमति मिली।
और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कोविड 19 विश्व महामारी तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।